ढाई साल की उम्र में गधों की तरह बच्चों के पीठ पर बोझ लादकर और स्कूलों में भेजकर और पढ़ा क्या रहे हैं? अकबर का बाप कौन, जहांगीर का बेटा कौन, बाबर का काका कौन, कब आक्रमण किया, कब कौन हमको कूटा, कब हमारी पिटाई हुई और उसी में दो दो लाइन घुसे हुए हैं, ये महान थे, लुटेरे महान थे, बर्बर आक्रांताकारी बड़े अच्छे थे, सबके एक एक गुण बताए गए। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में, मानस में ये बात घुस गई। कभी शिवाजी के विषय में खुलकर उन्हें नहीं पढ़ाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपनी माँ और अपने गुरु की भक्ति में इतने प्रवीण थे कि 175 से कम सैनिक लेकर के लाखों मुगलों के दांत खट्टे करके हिंदवी स्वराज्य को कायम कर दिया महाराष्ट्र और भारत में। कभी उनके विषय में नहीं पढ़ाया जा रहा, कभी ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि पृथ्वीराज चौहान ने इतनी बार क्षमा किया और उनको बख्शा नहीं गया। कितनी बार क्षमा किया था पर बख्शे क्यों नहीं? इस बात को तीसरे क्लास में पढ़ाया जाता? क्यों नहीं ये पढ़ाया जाता कि गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों के साथ क्या हुआ? क्यों नहीं ये पढ़ाया जाता कि गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ जो दिल्ली में आज गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है? कैसे उनके शीश उतर गए, कैसे उनके सिर उतार दिए गए, कैसे छोटे छोटे बीज जोरावर को चुनवा दिए गए? क्यों नहीं ये पढ़ाया जाता? NCERT की मजबूरी होगी, पर तुम तो माँ बाप हो, तुम्हारी क्या मजबूरी है?